तीन लाइन कहना चाहूंगा कि चेन्नई नहीं बना पाई मात्र 11 रन, निराशा व हताशा साथ लेकर लौटी अपने भवन, लेकिन आज क्रीज पर प्रफुल्लित आनंदित दिखे शिखर धवन। दोस्तों, मैं हूं मिश्री और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर द मिश्री शो। वानखेड़े स्टेडियम टॉस चेन्नई के पक्ष में और निर्णय गेंदबाजी का शिखर धवन एक्सपीरियंस्ड बेबाक अद्भुत प्रहारक, ये सभी की सभी विशेषताएं इनके लिए आज इसलिए क्योंकि अद्भुत बल्लेबाजी की, 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 59 गेंदों में 88 रन बनाए और इस बल्लेबाजी में अपना नाम जोड़ते नजर आए भानुका राजपक्ष। शिखर धवन का बखूबी साथ निभाया पार्टनरशिप, 32 गेंदों में 42 रन बनाए, अर्धशतक से मात्र 8 रन दूर। चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार चैंपियन रह चुके, इस बार 4 मुकाबले भी नहीं जीत पाई। ऋतुराज गायकवाड़ 27 गेंदों में मात्र 30 रन बनाए, अंबाती रायडू ये अगर मैदान पर टिके रहते ना तो जीत संभवता मिल जाती क्योंकि इन्होंने 6 छक्के 7 चौके की मदद से 78 रन बनाए। धोनी एक आखिरी उम्मीद सभी फैंस की, 8 गेंदों में 12 रन बनाकर 1 गलत शॉट खेला और खामियाजा 11 रन से हार। मैं एक आज बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, लखनऊ LSG के KL राहुल कैप्टेंसी के क्षेत्र में उभरते नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा उस क्षेत्र में पीछे रह रहे हैं। रविंद्र जडेजा अपने प्लान्स को वेल एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्या करना चाहते हैं वो दर्शा नहीं पा रहे और इसी का नतीजा है आज 11 रन से हार। आप सभी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको किसकी बैटिंग पसंद आई है, और हाँ, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को किसी का बम समझ के बचा दीजिए।